नमस्कार, मैं हूं शुचि नागपाल और एक बार फिर आप सब लोगों को मेरा शत शत प्रणाम, नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो गया है, बातचीत भी नहीं हुई थी। कोशिश करते हैं कि एक नया पहलू जानें कि साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध में एक नया पन्ना पलटें और एक नए अपराध के बारे में जानें। आज का नया अपराध है पहचान की चोरी। तो जानने की जरूरत है कि पहचान की चोरी होती क्या है, किस तरह से की जाती है और इसका क्या असर हो सकता है आपके जीवन पर। तो जब कोई व्यक्ति किसी की व्यक्तिगत जानकारी धोखे से प्राप्त करके उसे इस्तेमाल करे क्रेडिट, ऋण यानी कि लोन जैसी चीजें प्राप्त करने के लिए, तो इसे कहते हैं पहचान की चोरी। पहचान की चोरी एक ऐसा अपराध हो गया है जो कि ज्यादातर लोगों के जीवन में किसी न किसी बिंदु पर कुछ न कुछ असर जरूर डालता है। आज पहचान की चोरी सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड से कहीं आगे बढ़ चुकी है और बहुत से लोगों के जीवन में कोलाहल मचा सकती है। एक बार पहचान चोरों के पास में आपकी व्यक्तिगत जानकारी पहुंच गई, उसके बाद में वे चाहें तो आपके बैंक के खाते को सुखा सकते हैं, चाहे तो आपके क्रेडिट कार्ड पर खर्च कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके नाम पर लिया गया जो बीमा है उस पर अपनी चिकित्सा मुफ्त करवा सकते हैं। इस तरह के भी केसेस हुए हैं कि जहाँ पे जब ये चोर पकड़े जाते हैं तो पलट के वे आपका नाम पुलिस को दे देते हैं। तो आप जानते हैं कि पहचान चोर आपकी पहचान की चोरी करते कैसे हैं? तो इसका एक आसान तरीका है आपके पर्स की चोरी। अब आप सोचिए, आपके पर्स में आपका ड्राइवर्स लाइसेंस है, आपके पर्स में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हो सकता है आधार कार्ड, बड़े सारे आपकी व्यक्तिगत जानकारी रखने वाले ऐसे कार्ड हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी पहचान की चोरी आसानी से की जा सकती है। दूसरी तरह की चोरी है आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स या कि बिजली का बिल, फोन के बिल वाले जो ईमेल्स आपके पास में आते हैं उनकी चोरी करना। उनमें भी इस तरह की जानकारी होती है जिसका उपयोग करके आपकी पहचान की चोरी की जा सकती है। अब स्थिति के बारे में सोचिए, आपके पास में आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिजली का या फोन का बिल आता है, आपके पास में यह बिल ईमेल पे भी आ चुका है, तो आप सोचते हैं प्रिंटेड बिल मैं क्यों रखूं? झट से आप उस बिल को कूड़े में डाल देते हैं। किसी व्यक्ति को आपकी जानकारी चाहिए तो उनके लिए बहुत आसान है, बस वे आपके कूड़े में घुसते हैं, आपके बिल पत्र वगैरह ढूंढते हैं और आपकी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। इसे डंपस्टर डाइविंग यानी कि कूड़े में गोते लगाना भी कहते हैं। तीसरा तरीका, जब आप इंटरनेट पे अपने मन से अपनी जानकारी पोस्ट करते हैं, हर बार आप यह जानकारी उन सभी लोगों को देते हैं जो जाने अनजाने हो सकता है कि आपकी पहचान की चोरी करना चाहते हो। उदाहरण लीजिए, सपोज आपके कुत्ते का नाम है मफिन, हो सकता है कि आपके पासवर्ड में यह शब्द का उपयोग किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति आपके पासवर्ड को ढूंढना चाहता है, हो सकता है कि आपके कुत्ते का नाम जानकर वह इस चीज की कोशिश करे और आपके पासवर्ड को शायद थोड़ी ज्यादा आसानी से पा सके। पहचान की चोरी वित्तीय धोखे से अलग कैसे हुई? वित्तीय धोखों में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक फ्रॉड, इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। आमतौर पर वित्तीय धोखों में आपकी पहचान की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है, यानी कि अगर उन्होंने आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की चोरी कर ली है तो आपकी पहचान की जानकारी के बिना भी वह उस पर खरीदी कर सकते हैं। चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की धोखाधड़ी से बचना ज्यादा आसान होता है न कि आपकी पहचान की चोरी से बचना। सोचिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कैंसिल करवा देंगे, चेक आप कैंसिल करवा देंगे। सोच के देखिए, अगर आपकी पहचान की चोरी हुई है और आपके रूप में कोई व्यक्ति आप बनके घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो उससे बचना या उससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी पहचान की चोरी करके ये लोग किस तरह का काम कर सकते हैं? एक तो आपके लेनदारों को से संपर्क करके आपका क्रेडिट कार्ड के खाते का मेलिंग एड्रेस बदल सकते हैं। दूसरा, ये लोग आपके नाम पर फोन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं
जिससे फोन की सेवा तो उन्हें मिलेगी लेकिन बिल आएगा आपके नाम पर। इसी तरह से आपके नाम पर कार लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन तो उन्हें मिलेगा, पैसे उन्हें मिलेंगे, भरपाई करनी पड़ेगी आपको। तो पहचान की चोरी से बचा कैसे जाए? पहला कदम, अपने हर बैंक के खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईमेल के खाते पर पासवर्ड लगाएं। और न सिर्फ यह, पासवर्ड के सिवाय इस्तेमाल करें टू स्टेप वेरिफिकेशन का। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपका पासवर्ड किसी के पास पहुंच भी जाए और उन्होंने आपकी तरफ से आपके किसी बैंक के खाते में या आपके किसी ईमेल के खाते में लॉगिन किया, तो आपको आपके फोन पर इसकी जानकारी मिलेगी और एक ओटीपी आएगा जिसके बिना वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। नंबर दो, अपने कार्यस्थल में सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हमेशा प्राप्त करते रहें। पॉइंट नंबर तीन, अगर फोन या ईमेल पर कोई आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति को कतई यह जानकारी दीजिएगा मत। बैंक खाते के स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या अपने बिलों को फाड़ के फेंकने से पहले उन्हें अच्छी तरह बर्बाद कर दीजिएगा ताकि सिर्फ आपके कूड़े में घुसकर कोई यह जानकारी प्राप्त न कर सके। आज के लिए बस इतनी ही सीख। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल पर इस तरह के अनेक वीडियो हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको कई सारे ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।